15 दिनों के अंदर बैक टू बैक दो सबसे बड़े ग्रहण, कुंभ राशि में शनि की बढ़ती ताकत, ढैया के साए में मोदी की बढ़ती पावर, आरोपी नेताओं पर सीबीआई का कसता शिकंजा, चहु दिशाओं में भारत का बजता डंका। अब क्या होना बाकी है, अब क्या बड़ा करने वाले हैं पीएम मोदी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारे स्टूडियो से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। इस समय विश्व जगत में जो माहौल है, खासकर रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जो अब तक छिड़ी हुई है वो जारी है। बात करें अमेरिका के लेकर तो वहां पे चीन का भी ताइवान के साथ विवाद हमेशा से बना रहता है और यहाँ अमेरिका और रूस भी आमने सामने आ चुके हैं। और देखिए यूरोपीय देशों से लेकर इस्लामिक देशों में भी जो जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है जंग को लेकर, विद्रोह को लेकर, तो क्या ये सब कुछ आपको लग रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध या एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रहा है? और जिस तरह की गृहस्थितियाँ, आपने कहा ना कि ग्रहण का पड़ना और ऊपर से मंगल के घर में राहु से पीड़ित होना, वो भी गुरु का, देव गुरु बृहस्पति का, तो कुछ बड़ा होने वाला है कि आने वाले समय में विश्व स्तर पर? देखिए हुआ क्या है कि जब से शनि ने मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश किया है, अपने एक घर से निकलकर अपने दूसरे घर चले गए। देखिए यहाँ शनि बहुत बलवान है, यहाँ शनि को पूरी पावर मिल जाएगी कुंभ में। अगर आप किसी व्यक्ति को पूरी पावर दे दें, उसकी शक्ति दे दें, तो वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है जी। लेकिन जब शनि की कुदृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी, तो ये अशुभ फलों की वृद्धि कर देगा। तो इसलिए ये जो समय है, अभी जो 22 अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा, एक तो 22 अप्रैल पे चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है जी। वो 30 अक्टूबर तक चलेगा, साथ ही साथ 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण, 5 मई का चंद्रमा ग्रहण। तो ये स्थितियां कुछ कुछ 2020 वाली जो तस्वीर है उसी समय की ग्रह स्थिति वाली आ रही है। शुरुआत के 2 हफ्ते, बिल्कुल, उसके बाद 6 महीने, बिल्कुल। तो इसलिए ये समय थोड़ा सा विश्व स्तर पर सावधानी से बरतने वाला है। दो राष्ट्रों के बीच में, दो सेना अध्यक्षों के बीच में गहमा गहमी बढ़ेगी, यानी कि उत्तेजना बढ़ेगी, आक्रामकता बढ़ेगी, लोगों के जो विचारधारा है उसमें बदलाव आएगा, जालसाजी, झूठ, फरेब, धोखा, ये सब हावी रह सकता है। समाज में कुछ गलत गतिविधियां भारत में नहीं विश्व में हो सकती हैं, या कुछ देशों में स्थितियां बनेंगी, एकदम से लगेगा कि जंग के हालात बन गए हैं, अटैक हो गया है, मिसाइल फेंक दी गई है, अब तो जंग होना तय है, ये भी परिस्थितियां बनेंगी आप देखेंगे। लेकिन वो जंग होगी नहीं, उस तरह की स्थितियां अब नहीं बनेंगी, क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि में है। जब तक राहु पर दृष्टि रहेगी तो हालात खराब रहेंगे आप देखेंगे, आर्थिक स्थिति भी विश्व पटल में डाउन जाएगी। इस समय अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में और यूके में जो हालात दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, कनाडा में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या या वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है जी। यूरोपियन कंट्रियों में इस समय आर्थिक मंदी का सामना बड़ा जबरदस्त करना पड़ेगा। आप देखना ये जो साल आते आते कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से जो लोग हैं उनकी नौकरियां उनको मजबूरन छोड़नी पड़े या छंटनी हो, खासकर यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में। तो आने वाले समय में चांडाल दोष के कारण या इन दो ग्रहण के इफेक्ट के कारण बड़ी स्थितियां नकारात्मक मिलेंगी विदेशों में अगर बात करें तो। चलिए ये तो हमने बात की विश्व जगत की, और अब बात करते हैं हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि उन्हीं के सशक्त नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में आगे बढ़ रहा है, एक विकासशील देश से निकलकर विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। तो उनके लिए ये आने वाला समय, मैं तो जानना चाहूंगी उनके लिए आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं पीएम मोदी के लिए। देखिए अगर मोदी जी की बात करें तो वैसे तो बोर्ड पर कुंडली बनाकर मैं उनका विश्लेषण कुंडली का करूंगा जब हम लोग जाएंगे, तो बड़ी मेरी एक तैयारी है कि एक एक चीज पर चर्चा होगी, बिल्कुल। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडियो में, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि पीएम मोदी जी के लिए आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। देखिए अभी उनका वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है और शनि की ढैया का प्रभाव है, और इनकी कुंडली में शनि जो है ना दशम भाव में है, और दशम भाव में शनि सूर्य और शुक्र के साथ बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। जब जब शनि अगर दशम भाव में हो और शनि की 7.5 या शनि की ढैया आ जाए, तो सभी दर्शक ध्यान से सुनिए, न्याय होता है, राजा जो है कड़े फैसले लेता है या ज्यादा आक्रामक हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव की ये जो ढैया है ये मोदी जी को विश्व पटल पर नंबर 1 पे ले जा रही है। अगर आपको याद हो पिछले साल हमने एक वीडियो बनाया था और ये बोला था कि आने वाले समय में
पूरे विश्व की चाबी जो है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में होगी, यानी कि इनके इर्द गिर्द ही विश्व घूमेगा। अब वो दौर चला गया है कि अमेरिका से पहले पूछते थे भाई, कि अमेरिका से सलाह होती थी, अब भारत वो रोल अदा कर रहा है इस समय। कविता जी बिल्कुल, आज देखिए ना, अमेरिका से, फ्रांस से, देशों के राष्ट्राध्यक्ष, देशों के मंत्री पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर बता रहे, सबसे दुनिया का सबसे चहेता लीडर बता। और अभी एक सर्वे भी हुआ है, मुझे नहीं पता किस एजेंसी ने किया है, थोड़े दिन पहले एक सर्वे हुआ जिसमें नंबर वन लीडर जो है फिर से नरेंद्र मोदी चुने गए और उनके आसपास कोई भी नहीं है जी, बिल्कुल विश्व स्तर पे। तो ये इनके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, और जिस तरह की कुंडली, जिस तरह की दशा मंगल की इनको लगी हुई है, ये अभी तकरीबन 6 साल की बची हुई है, 6 साल की। तो अब आप इस समय में देखिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में होने जा रहा है, और शनि जब जब कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में रहेंगे, बड़ा पावरफुल रिजल्ट देंगे, तो बड़ा परिवर्तन, बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, जनता को फायदा, देश हित में अभी 5वें नंबर पे है, तो और भी कहना चाहिए, ये नंबर जो है ना 5वें 4वें 3रे में भी आ सकता है, तो स्थितियां इनकी बहुत बेहतर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की लाइफ में भागदौड़ बहुत बनी रहेगी इस समय, उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। गुरु राहु का जो चांडाल दोष है, या बात करें जो सूर्य और चंद्र ग्रह जो रहेगा, वो इनके ऊपर कहना चाहिए ना कि विपक्ष हमलावर ज्यादा रहेगा इस समय, अब आप देखेंगे, और इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहण है और जो चांडाल दोष की स्थिति जो है उनकी सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जो मंगल में अभी राहु है, आगे बृहस्पति आ रहे हैं जी, तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए देश की जनता को तैयार रहना चाहिए। फिर से कोई ना कोई मोदी जी का एक नया कहना चाहिए धमाका होने वाला है, कोई नया एक चीज बदलाव समाज में देखने को मिलेगी। और शनि कुंभ राशि में जब आते हैं कविता जी, तो कहना चाहिए शनि न्यायाधीश है, और इससे बेहतर शनि कहां न्याय करेंगे, तो ये न्याय का समय है। आने वाले समय में आपको जनता को इंसाफ देखने को मिलेगा, बहुत से ऐसे पेंडिंग केसेस या बिल जो रुके हुए हैं आने वाले 2-2.5 साल के अंदर पास होंगे, जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे, आप देख लीजिएगा मेरी बड़ी भविष्यवाणी। माइंड जी देखिए, शनि के लिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इस वक्त जैसे कि शनि की ढैया से मोदी जी गुजर रहे हैं, और शनि ने मोदी जी की राजनीतिक लाइफ में एक बड़ी भूमिका निभाई है, और मौजूदा हालातों में देखा जाए तो आपने कहा कि शनि देव न्याय करते हैं, और इस वक्त आप ही ने बताया कि मोदी जी सख्त से सख्त फैसले लेंगे और ले भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वो न्याय कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा सा जाया जाए तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता पे ईडी का शिकंजा कस रहा है, तमाम नेताओं को लेकर विपक्ष खेमा जो मोदी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है कि तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा और उन्हें जेल में डाला जा रहा है, तो ये जो दोषी हैं, जो अभी आरोपी हैं, क्या लगता है आपको, जो गुनहगार है, क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? देखिए इतना ही कहूंगा, क्योंकि राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष के आधार पर ये कहना चाहूंगा, शनि जब कुंभ राशि में आते हैं, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में कोई भी गलत कार्य किया है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा, अगर आपने गलत काम किया है तो सजा तो होगी, ये तय है। तो इसलिए पिछले कुछ वर्षों में जो भी गलत फैसले गलत किसी भी सरकार ने लिए, किसी भी नेता ने लिए, या किसी ने भी लिए हैं, या किसी आम जनमानस ने भी करे हैं, या कुछ गलत चीज हुई है, गलत अपराध हुआ है, तो उसका खामियाजा जो है शनिदेव अपने शुभ समय पे, शनि इस समय बहुत शुभ स्थिति में है और बहुत पावर में, बहुत पावर में है, और डिग्री जो है इस समय 9-10 डिग्री के आसपास है, जून में वक्री भी होंगे ये, तो वहां से बड़ा खेल शुरू होगा। आप देखिएगा कि बड़े बड़े नेता शिकंजे में फंसने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय राजनीति में इस 2.5 साल में आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ये समझ चुके होंगे कि बड़े बड़े नेता फंसने वाले हैं, तो किन नेताओं की अभी बात हो रही है फिलहाल। चलिए, ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि किस प्रकार से इस बार जो ग्रहण का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा हमारे देश भारत में, भारत की राजनीति में और विश्व पटल पर। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।